वेलकम दोस्तों, आप सब लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे चैनल लैंडिंग पर। वीडियो को शुरू एक बात बताना चाहूंगा कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने में जो नोटिफिकेशन है ना उसको भी दबा दीजिए, क्योंकि मैं जैसे ही उतरूंगा बस तो नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों आज एक ऐसा ट्रिक्स करके बताऊंगा जैसे आपको वीडियो देखकर फायदा होंगे। जब हम फोन पे से वॉलेट मनी से ना हम जब यूपीआई ट्रांसफर करते हैं तब हमें कुछ कैश भी मिलते हैं, वो कैशबैक को हम कैसे डायरेक्ट बैंक में भेज सकते हैं, तो इसके लिए एक वीडियो में आज ये वीडियो में बताऊंगा कैसे आप डायरेक्ट फोन पे वॉलेट बैलेंस का बैंक में भेजोगे। कल शायद आपको याद है मैंने एक वीडियो डाला था कि हम फ्रीचार्ज बैलेंस का कैसे बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो, तो वही वीडियो में एक नीचे कॉमेंट आया था पंकज भाई से। पंकज भाई ने लिखा था भाई ऐसा एक वीडियो बनाओ जैसे हम फोन पे वॉलेट बैलेंस को आप कैसे बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। शायद ये वीडियो लिए उनके लिए है ना, सब लोगों के लिए है, तो जरूर वीडियो अंत तक देखते रहना। तो इसके लिए आपको तीन चीज होना जरूरी है, ये अकाउंट बनाने के लिए आपको 3 डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। तो के सबसे पहले आपको खुद का पैन डिटेल्स, खुद पर्सनल बैंक अकाउंट एंड पर्सनल एड्रेस प्रूफ, मतलब आपको गवर्नमेंट का एड्रेस प्रूफ, आप आधार कार्ड भी दे सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी अगर आपका हो तो दे सकते हो। तो क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से पे स्विफ्ट एप्लीकेशन से इंस्टॉल करना पड़ेगा। तब मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, तो आप इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करते ही आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो भी आपको नंबर है ना और नंबर सबमिट कर दो। नंबर सबमिट करते ही आपको रजिस्टर नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट कर दो। ओटीपी सबमिट करने के बाद आपको बस एक ऐसा इंटरफेस हो रहा है कि जिसमें आपको लिखा है कि आपका डिटेल्स, मतलब आपका नाम, आपका ईमेल एड्रेस एंड आपको आई एम इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है। जैसे आप इंडिविजुअल सिलेक्ट कर दोगे आपको सब सबमिट कर दो, कंटिन्यू करोगे आपके पास एक ऐसा ऑप्शन हो रहा है कि कंटिन्यू कर दो। कंटिन्यू जैसे ही करोगे आपको एम पिन सेट करने को बोलेगा, आप एम पिन सेट कर दो। एम पिन सेट जैसे ही करोगे ना आपके पास क्या ऑप्शन हो रहा है आप देख सकते हो कि सिलेक्ट योर पोस्ट डिवाइस। तो क्या करना पड़ेगा, आई डोंट हैव पोस्ट डिवाइस पर सिलेक्ट करना है। आई डोंट हैव पोस्ट डिवाइस पर जैसे सिलेक्ट करोगे आपके पास पैकेज ऑप्शन हो रहा है, तो आपको कहने पैकेज ऑप्शन पर उसमें चार्ज के बारे में बताया है। अगर आप यूपीआई आईडी और डेबिट कार्ड के माध्यम पे करोगे तो हमें 0% चार्ज करेगा, अगर 2000 का या 2000 का नीचे अगर कोई भी अमाउंट है तो, अगर 2000 का अबव कोई भी अमाउंट है तो हमें 1% चार्ज भरना पड़ेगा अगर यूपीआई आईडी और डेबिट कार्ड के माध्यम पे करूंगा तो। अगर आप हम फोन पे क्यूआर के माध्यम पे करूंगा तो हमें सिर्फ 1.4% चार्ज देना पड़ेगा, मतलब हम फोन पे वॉलेट बैलेंस को आप डायरेक्ट बैंक में भेज सकते हैं सिर्फ 1.4% चार्ज पे। चार्ज में बारे में बता दिया, आपको क्या करना है, कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू जैसे ही करोगे ना आपके शो हो रहा है कि आपको बिजनेस इन्फॉर्मेशन, आपको क्या करना है, आपको बिजनेस इन्फॉर्मेशन में स्टार्ट नाउ कीजिए। बिजनेस इन्फॉर्मेशन जैसे स्टार्ट नाउ करोगे ना आपका क्या है, आपको मर्चेंट टाइप सेलेक्ट करना है। बहुत सारे ऑप्शन हो रहा है आप देख सकते हो, तो आप उसमें से कोई भी ऑप्शन चॉइस कर लेना। चॉइस करने के बाद आपको क्या करना है, आपको पर्सनल डिटेल्स, मतलब आपको पैन कार्ड नंबर सबमिट करने, आपको पैन कार्ड नंबर सबमिट कर दो। पैन कार्ड नंबर सबमिट करने के बाद आपको एड्रेस वगैरह आपको सबमिट कर दो, कंटिन्यू कर दो। एड्रेस वगैरह सबमिट करने का तो कंटिन्यू जैसे ही करोगे आप देख सकते हो कि लिखा रहा है कि बैंक अकाउंट डिटेल्स, आपको क्या करना है, आपको जो अकाउंट, आपको जो पैन कार्ड से जो नाम था ना वही, जिसमें नाम है ना वही साथ वो बैंक अकाउंट डिटेल सबमिट कर दो। बैंक अकाउंट डिटेल सबमिट करने के बाद आपको क्या करना है, बैंक अकाउंट नंबर टाइप करना है। बैंक अकाउंट टाइप करने के बाद आपको बैंक किस टाइप का है तो सिलेक्ट कर लो, आपको आईएफएससी कोड डालना है, फिर कंटिन्यू कर दो। कंटिन्यू करने के बाद आपको बैंक से इंस्टेंट और 24 आवर्स में एक अमाउंट जमा होगा, 1 से 2 का बीच आपको वो अमाउंट कॉन्फर्म करना पड़ेगा, कॉन्फर्म कर देना। कॉन्फर्म करने के बाद आपको क्या करना है, कॉन्फर्म करने के बाद आप देख सकते हो कि लिखा रहा है कि बिजनेस इन्फॉर्मेशन, सॉरी आपको लिखा रहा है कि आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो आपको क्या करना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको क्लिक करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जैसे क्लिक करोगे आपको बस पैन कार्ड डिटेल्स जो भी है, पैन कार्ड डिटेल सबमिट कर दो, अपलोड करना है। पैन कार्ड का फ्रंट पेज है ना वो अपलोड कर दो, फिर आपको देख आपको ऑप्शन हो रहा है कि सेटलमेंट बैंक इन्फॉर्मेशन, आपको बैंक अकाउंट का फ्रंट पेज जिसमें आईएफएससी कोड उसको आपको अपलोड करना है। फिर आप देख सकते हो कि लिखा है नीचे ऑप्शन आ रहा है कि पर्सनल एड्रेस प्रूफ, आपको एड्रेस प्रूफ का आपको आधार कार्ड सिलेक्ट कर दो। सिलेक्ट करने के बाद आधार कार्ड का फ्रंट पेज एंड बैक पेज आपको दोनों ही आपको अपलोड करना है, तो दोनों अपलोड जैसे करोगे आपको इसको वेरीफाई होने में 1 से 2 दिन टाइम लेगा। 1 से 2 दिन में जैसे वेरीफाई करोगे ना आपको एग्रीमेंट ऑप्शन हो रहा है, आप एग्रीमेंट ऑप्शन जैसे जनरेट हो जाएगा आपको क्या करना है, एग्रीमेंट ऑप्शन में स्टार्ट नाउ करना है, स्टार्ट नाउ कर दीजिए। स्टार्ट नाउ करने के बाद आपको एक डिजिटल सिग्नेचर करना है एग्रीमेंट पर, तो आपको क्या करना है, डिजिटल सिग्नेचर कर दो। डिजिटल सिग्नेचर जैसे कर दोगे ना आपका अकाउंट एक्टिवेशन हो जाएगा, मतलब आपका पे स्विफ्ट अकाउंट बिल्कुल रेडी हो गया, मतलब आपका पे स्विफ्ट डिटेल अकाउंट मर्चेंट अकाउंट आपको वेरीफाई हो गया, आप इसमें से आप रिसीव मनी कर सकते हो। इस फिर आपको क्या करना है, आप जैसे सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए आपको क्या करना है, पे स्विफ्ट एप्लीकेशन को फिर ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको सेट पर टैप करना है,
सेट पर जैसे टैप करोगे आपको दो ऑप्शन हो रहा है, राइट साइड पर लिखा रहा है कि इंस्टॉल, लेफ्ट साइड पर सो रहा है कि भाया लिंक। तो आपको क्या करना है, राइट स्विप पर स्विप करना है, स्विप जैसे ही करोगे आपको क्या करना है इंस्टॉल सिलेक्ट कीजिए। फिर उसमें आप देख सकते हो कि दो ऑप्शन है, एक कस्टमर मोबाइल नंबर, एक कस्टमर नेम। आप इसमें रैंडम भी डाल सकते हो, आप रैंडम डाल दीजिए। फिर आप जिस मोड से पेमेंट लेने चाहते हो, अगर आप फ्री चार्ज या मोबिक से पेमेंट लेने चाहते हो तो आपको क्या करना है वॉलेट सिलेक्ट करने। अगर आप फोन पे क्यूआर के माध्यम पेमेंट लेने चाहते हो तो आपको क्या करना है फोन पे क्यूआर सिलेक्ट कीजिए। फोन पे क्यूआर जैसे सिलेक्ट कर दो आपके पास एक क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा पे स्विप के माध्यम। तो आपको क्या करने वाले, एक बार ध्यान रखना, आप जितना अमाउंट चाहते हो, आप जितना अमाउंट वॉलेट से बैंक में कॉन्वर्ट करना चाहते हो उतना अमाउंट आप सबमिट करने पहले, फिर आपको क्यूआर जनरेट हो गए। आपको क्या करना है क्यूआर जनरेट को आपको कोई भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको फोन पे आपको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आपको देख सकते हो कि टॉप पर शो रहा है कि क्यूआर को एक बैनर शो रहा है, क्यूआर पे बैनर शो रहा है, आपको उसमें क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद जो स्क्रीनशॉट ले लिया आपको उसको क्या करना है स्कैन करना है। स्कैन जैसे कर देगा आपको बस वो स्कैन भी हो गए आपका, और जितने अमाउंट मर्जी आपका फोन पे वॉलेट में बैलेंस है उतना अमाउंट आप पहले सबमिट कर दिए, फिर आप उतना अमाउंट वॉलेट से पे कर दो, आपका तुरंत पेमेंट सक्सेस भी हो जाएगा एंड तुरंत पे स्विफ्ट का कॉन्फर्मेशन भी आ जाएगा। फिर आप 24 से या 48 आवर्स में आपको जो भी अमाउंट रिसीव हुआ उससे सिर्फ 1.4% डिडक्ट होकर आपका बाकी अमाउंट आपको बैंक में डिपॉजिट हो जाएगा। तो आज का वीडियो यही तक है, अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर एक लाइक कर देना। अगर वीडियो के बारे में कुछ भी इशू है तो जरूर कमेंट में बता देना, आप वीडियो में बारे कुछ भी इशू है तो कमेंट में बता देना, मैं कोशिश करूंगा हेल्प और रिप्लाई करने का। और आप कौन सा वीडियो लेने चाहते हो, देखने चाहते हो तो जरूर कमेंट में बता देना, मैं कोशिश करूंगा उसके टाइप वीडियो बनाने के लिए। तो आज का वीडियो यही तक है, जय हिंद, वंदे मातरम।